हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज तो ऐसे भी मेरा मन नहीं सही था कि मैं आज तो वीडियो पकड़ सकूं, लेकिन क्या करूं। कोई आदमी, एक छोटा सा पार्टी था हमारे घर के अंदर, 100 आदमी का। ये स्वीट मुजफ्फर बनाओ करके मेरे को वो लोग प्रेस किया, इसीलिए तो मैं आज तो क्या करूं। ऐसे भी आदमी लोग के लिए मैं ये मुजफ्फर स्वीट बना रहा हूँ। हाँ, अभी तो मार्केट को जाके मैं तो दूध लेके आया। हाँ, फिर वो जो बासमती नहीं मिलता है इधर, तो बासमती मुजफ्फर के लिए नहीं काम आता है, ज़्यादा लंबा रहता है, इसीलिए मैंने तो हमारे और ये जैसा छोटा चावल बोलते मुरादली बोलते हैं इसका नाम, अपने यहाँ पे क्या बताते हैं मेरे को नहीं मालूम। ये तो 750 ग्राम मैं लेके आया, और इसके साथ में काजू भी लेके आया, बादाम लेके आया, और तो ये तो इलायची लेके आया, ये फीका खोवा लेके आया, घी भी लेके आया, और साथ में जो ग्रीन कलर है वो भी लेके आया। हाँ, अभी तो मैं बच्चों को ये जो काजू बादाम है ये बच्चों को दे देता हूँ, ये लोग अच्छा सा साफ करके इसको कटिंग कर देते हैं। बाद में मैं ये कैसे बनाने का तो थोड़ा अब वो आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। फिर आज का तो रेसिपी बनाने का मूड नहीं था। अभी क्या करें, बाहर तो बारिश हो रहा है, अभी बाहर जाने के लिए भी मुसीबत है। सबसे पहले बच्चों को मैं बता दिया, गर्म पानी के अंदर थोड़ा बादाम डाल के उसका जो छिलका है वो भी साफ़ कर दो करके, देखेंगे बच्चे कैसा कटिंग करते हैं। बाद में तो पकाने का काम चालू लग जाता है। जैसा भी ये स्वीट बनाने के लिए थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और धीमी आंच पे पकाना पड़ता है। बाहर का तो भी नज़ारा अभी देखना पड़ता है कि एकदम अभी थोड़ा सा बारिश भी कम हो गया, देखते हैं। बारिश तो कम हो गया है, अपना गार्डन के अंदर तो भी थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ, पानी पकड़ने का काम भी अभी बन है। बाहर का नज़ारा तो आदमी लोग, बारिश है, आदमी लोग भी ऐसे ही काम करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे ये इस गार्डन के अंदर पूरा हर्बल लगाया हुआ है, ये जो गिलोई बोलते हैं इसी को लगाया, और अभी तो ये तुलसी है हमारे पास, अभी ये जो पपाया का झाड़ है, एलोवेरा है। हम लोग तो ये अक्सर ये लोग काढ़ा बना के पीते हैं, इसीलिए ये कोरोना के वजह से तो हमारा बच्चा, हम लोग सब हर्बल का जो जितना भी हर्बल का पौधा है उसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा झाड़ इधर इधर से लेके आके डाल दिया। पहले यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। देखते हैं अभी बच्चों को कैसे साफ़ करते, मैं देखता हूँ। अभी हमारा जो बड़ा लड़की है वो तो अभी काजू कटिंग करने का काम चालू कर दिया, एक ओर से ये चूल्हे में मैं बादाम भी डाल दिया बॉयल होने के लिए, ये छिटका निकालने में आसान होती है। अक्सर हमारे यहाँ पे शादियाँ में बहुत से स्वीट पकाते हैं, ये जो मुजफ्फर है खाने के लिए सही रहता है स्वाद। आप लोग खुद जैसा मैं खाना बनाता हूँ आप लोग ट्राई करके देखिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा हमारा ये रेसिपी। ये जो मुजफ्फर बनाने के लिए अभी तो समझो हम 750 ग्राम सामान को 3.5 लीटर दूध डालना पड़ता है, और 3.5 लीटर पानी भी डालना पड़ता है। अभी मैं इसके अंदर तो अभी दूध डाल देता हूँ, फिर इसके अंदर 3 लीटर पानी और ये चावल मिक्स करके अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ा देता हूँ। बाद में जब तक चावल पूरा सा इसके अंदर गल नहीं जाता ऐसे ही आँच के ऊपर रख के घुमाना पड़ता है। अभी तो मैं ये दूध डाल रहा हूँ, चावल डाल के अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ा देता हूँ। अभी ये जो 100 आदमी का सीट के लिए है ये तो ये स्वीट तो बराबर हो जाएगा, इसीलिए अंदाज से हम लोग पका लेते हैं। इसके अंदर 2 किलो शक्कर भी लगती है, फिर मार्केट को जाके लेके आना पड़ता है। वो बड़े अभी तो ये
चावल और दूध और पानी, समझो कि पूरा 7 लीटर पानी, 750 ग्राम चावल मैं इसके अंदर डाल दिया बॉयल होने के लिए, और आँच लगा के जैसा जैसा वो पक जाता है चावल, तो इसके अंदर पूरा मिक्स हो जाता है जब तक इसको हम पका लेते हैं। देखेंगे अभी ये तो मुजफ्फर कैसा बनता है, अभी क्या करें, बाहर का बाहर तो अभी टाइम नहीं है, मेरे को काम भी जाना पड़ता है। वैसे अभी इसको तो सावधान रहना पड़ता है, जैसे जैसे पकता है इसके अंदर तो हिलाना ही पड़ता है, नहीं छोड़ देंगे तो नीचे ये पकड़ लेता है, और इसके अंदर तो पूरा जो मुजफ्फर है वो तो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा इसको तो 5 मिनट को 10 मिनट को तो घुमाना पड़ता है, जब तक ये चावल पूरा इसके अंदर अच्छा सा पक जाता है। अभी तो इस इधर खोआ पड़ा हुआ है, मैं तो इसको इसको भी आधा किलो के ऊपर लिया, इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको पानी में मिला के मिक्स करके अच्छा सा रखना पड़ता है, और इसके अंदर थोड़ा सा साबूदाना भी लगता है, थोड़ा मांगते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम से कम लगता है, इसमें डालना पड़ता है। अभी मैं लेके आता हूँ, साबूदाना अपने पास नहीं है, मैं ऐसे भी भूल गया। अभी तो इधर ये थोड़ा थोड़ा सा खोआ ये भी पानी में तो भिगा के इसको पूरा पानी के अंदर मिक्स करके रखना है। अभी तो उधर ये जो पतली में है इसको अच्छा सा 5 मिनट 10 मिनट को जैसे जैसे पकना चालू हो जाता है इसको हम लोग चेक करना पड़ता है, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा। सावधान रहने का, देखिए अभी तो घी गर्म हो गया है, मैं ये जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर डाल के इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करने का, इसको थोड़ा सा लाल होए तक बस इसको बंद कर देने का खुद को खुद, यही स्टीम के इसमें आ जाता है। अपने घर वालों को पकड़ के ड्राई फ्रूट से जितना भी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्या करें, अभी वो लोग तो हमारे को इतना ही ड्राई फ्रूट खिलाया, ये तो घी में तला हुआ है, इसको तल के अभी थोड़ा सा लाल होया बस बंद कर दो, यही तेल के अंदर यही ड्राई हो जाएंगे, जब तक तुम देखने का ज़रूरत नहीं है इसको आप लोगों को, तो ये ज़्यादा लाल होएगा समझे, तो इसके अंदर से भी निकाल सकते हैं गरम तेल के अंदर से, अभी यही खुद लाल हो जाता है। अभी इधर तो देखना पड़ता है कि ये चावल तो अभी अच्छा सा पक गया है, देखता हूँ कि चावल तो अभी तो पूरा पक गया है, अभी तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये जो साबूदाना है थोड़ा सा डाल रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है, देखिए अभी बस समझो कि 25 ग्राम या 50 ग्राम तक डाल सकते हैं साबूदाना, इसका भी थोड़ा स्वाद चेंज हो जाता है। इसके अंदर तो इलायची पाउडर भी डाल रहा हूँ, अभी तो स्वाद इसी के अंदर चले जाता है, अखा इलायची डालेंगे तो स्वाद पूरा नहीं आता है, और एक टाइम इसको तो और 10-15 मिनट हम लोग पका लेते हैं, इसके बाद में मैं थोड़ा पकने के बाद में इसके अंदर जो पानी में मिलाया हुआ खोवा है इसको मैं ऐड करूँगा। अभी अभी देखता हूँ कि चावल कितने देर तक ये हुआ क्या, देखता हूँ कभी ये अच्छा अखा चावल ऐसा ही रहेगा, तो फिर भी आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे तो सही है, ये तो पूरा अच्छा सा जैसे जैसे मिक्स होता है और इसके अंदर भी स्वाद ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा पानी मिक्स किया, मेरे को लगा कि और चावल थोड़ा नरम हो जाएगा तो सही है, इसीलिए मैं फिर वापस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, और जो सब्बू का दाना है वो भी अच्छा सा पकना मांगता है, ये तीनों का। अभी जो मैं इलायची डाला वो इलायची का भी स्वाद आ रहा है, अभी तो इसके 10 लहाजे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जो सब्बू का दाना डाला वो भी इसके अंदर घुल जाएगा, चावल भी घुल जाएगा। देखिए अभी तो जितना सारा चावल था वो पूरा तो अच्छा सा गल गया, जैसे जैसे आँच पे पका के इसको हिलाते रहते हैं तो ये पूरा चावल सारा चावल पूरा आधा हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा, जो सब्बू का दाना है वो भी बॉयल हो गया है। आप लोगों को मैं फिर बताता हूँ,
हाँ, अगरचे आपको और मिक्स मांगते तो थोड़ा देर पानी ज़्यादा डाल के इसको मिला सकते हैं। अभी तो ये सही टाइम पे आ गया। हाँ, अभी मैं जो पानी में मिलाया हुआ है फीका कोआ, मैं अभी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। हाँ, अभी देखता हूँ, अभी ऐड हो गया ये फीका कोआ, और इसको अच्छा सा हलाइए, ये अच्छा सा मिक्स होने का, और 5 या 10 मिनट तक इसको पकाने का। हाँ, और इसके अंदर मैं अभी जो कलर मिलाया हुआ है वो कलर भी लाइट से ऐड कर देता हूँ। हाँ, अपना स्वाद के अनुसार, और जैसा आदमी ज़्यादा मांगता है कम मांगता है, कलर भी इसके अंदर आप लोग ज़्यादा भी मतलब डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं तो ज़्यादा कलर इसको रखना नहीं चाहता, थोड़ा सा लाइट से कलर रख देता हूँ कि आदमी लोग देखने के लिए अच्छा रहे। हाँ, देखिए अभी कलर मिक्सिंग हुआ। हाँ, अभी ये खोआ भी ऐड हो गया, समझो कि 80% इसका तो अभी काम हो गया। बस अब सिर्फ थोड़ा देर, 5 या 10 मिनट ये पकने के बाद में इसके अंदर शक्कर ऐड करना पड़ता है। अभी दिखाता हूँ, ये 10 मिनट के बाद शक्कर ऐड करके जो तड़का है इसी के अंदर ऊपर डाल देते हैं। और आप लोगों को अपना घर के अंदर कोई फंक्शन रहेगा तो ट्राई कीजिए पहले घर के अंदर थोड़ा सा पका के, और स्वाद कैसा है आप लोग देख के फिर कभी भी आप लोगों के पास घर में कभी पार्टी होएगा, फंक्शन होएगा तो आप लोग बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये जो हैदराबादी मुजफ्फर रेसिपी, ये अक्सर शादियाँ में कोई फंक्शन में ऐसे ही बनाते हैं। जब से मैं कोवा डाला था इसको 5 मिनट तक या 10 मिनट, 5 मिनट तक अच्छा सा मैं हिला दिया, और ये जितना खोवा है इसके अंदर पूरा मिक्स हो गया। अभी इसको थोड़ा सावधान रहने का, जब भी खोवा डालते हैं इसको अच्छे से हिलाते रहने का, रुकने का नहीं। हम लोग ज़्यादा आँच लगा के इसको चले जाएंगे तो नीचे पकड़ लेगा, और इसके अंदर तो इसका जो जितना खुशबू है वो सब खराब हो जाएगा। अभी देखिए चावल और सब्बू डाना है, खोवा तीनों मिक्स हो गया। अभी इसके अंदर मैं 2.5 किलो शुगर मिक्स कर रहा हूँ। जब भी शुगर मिक्स करते हैं आप लोग आके इसको अच्छा सा हला के थोड़ा धीमी आंच पे रख जाने का, ऐसे भी इसका अंदर का जो शुगर है पूरा अच्छा सा इसके अंदर पूरा सही तरीके से इसके अंदर मिक्स हुए। अभी तो ज़्यादा आंच लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझो 80% ये तो पूरा पक गया। अच्छा सा इसको शुगर डाल के थोड़ा देर छोड़ देने का। अभी तो ये जो हम लोग शक्कर डाला था मैं, वो अच्छा सा पक गया। अभी इसके अंदर जो अभी ड्राई फ्रूट्स मैं इधर तल के रखा वो इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ कि स्वाद इसके अंदर पूरा का पूरा स्वाद इसके अंदर जाए। बस इसके जब ये घी और ये ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर कभी डाल देते हैं तो बस इसको 5 मिनट या 5 मिनट तक बस इसको थोड़ा सा पका के अभी बस चूल्हा बंद कर देने का। अभी तो ये पूरा तैयार हो गया। अभी ठंडे होने के बाद में मैं सर्व करके दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट और ये कैसा हुआ है। देखिए अभी तो पूरा पक गया। आप लोग कभी कोई कम शक्कर खाने वाले हैं तो हम लोग 2 किलो भी डाल सकते हैं, 2.5 किलो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तो 100 आदमी के लिए मैं ये मुजफ्फर स्वीट बनाया। आज का रेसिपी आप लोग को कैसे लगा है आप लोग देखिए। देखिए अभी तो ये मुजफ्फर पूरा रेडी हो गया है। मेरे तुम्हारे को फाइनल लुक भी दिखाता हूँ कि ये जो है ठंडा होने के बाद इसका स्वाद तो दुगना हो जाता है। देखिए आप लोग के पास कभी ज़्यादा आदमी रहेगा तो ड्राई फ्रूट भी ऊपर से इसको फ्राई करके ऊपर भी डाल के देख सकता है। अभी मैं देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। अभी तो ये गरम है, थोड़ा फूंक के खा के देखता हूँ। स्वाद भी सही है, मीठा भी सही है, सब कुछ सही है। मैं आने वाले दिनों में आपका कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। आप लोगों को
कौन सा भी रेसिपी या कोई चीज़ की मांग रहेगा तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।